हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम 12th फिजिक्स के फर्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से देखिए, उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसमें मैंने क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10⁻⁷ तथा 3×10⁻⁷ आवेश हैं, उनके बीच कितना बल लगेगा, ये हमें इसमें पता लगाना है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से 8 दूरी पर स्थित है, तो उनके मध्य लगने वाला बल याद करना है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल हल करें बच्चों, हमें एक चीज समझनी है कि इसमें क्या क्या हमें गिवन होता है, वो हमें लिखना होता है। तो वो जरूर देख लीजिए कि सबसे पहले क्या क्या आपको गिवन है उसको आप आइडेंटिफाई करें। तो हल करते समय हम लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है, और गिवन एक तो दिया हुआ आर, आर इक्वल्स टू आपको दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। बच्चों 30 सेंटीमीटर है तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, और एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आने वाली है 0.3 मीटर। ओके बच्चों, अब देखिए दूसरा हमें आवेश की वैल्यू दी हुई है, तो वो लिख लेते हैं। गिवन आवेश की वैल्यू गिवन है 2×10⁻⁷ कूलम, एंड Q2 आवेश है वो आपको दिया हुआ है 3×10⁻⁷ कूलम। ओके बच्चों, ये आपको दिया हुआ है, और यहाँ से भी क्या निकालना है, बल निकालना है। थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं, उससे हम समझते हैं कि किसका क्या डायग्राम बनने वाला है। वो डायग्राम कैसा बनेगा इसको देखिए, एक तो दिया हुआ Q1 चार्ज, ये Q1 चार्ज है, एंड दूसरा दिया हुआ है दिस इज द Q2 चार्ज। आर डिस्टेंस पर रखे हुए, आर दूरी आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, इनके मध्य लगने वाले F की वैल्यू निकालनी है। F हमारा कूलाम बल है, और F का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है बच्चों, F का फॉर्मूला हमें जानते हैं। तो देखिए F का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, F इक्वल्स टू हमारे पास होता है K Q1 Q2 upon R square, जहां K है इसकी वैल्यू हमें पता है बच्चों, K की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर था। इसकी वैल्यू फुट करते हैं फॉर्मूले में, देखिए बच्चों क्या आता हमारे पास, हमारे पास जो F की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है F इक्वल्स टू 9×10⁻⁹, फिर आएगा 2×10⁻⁷ एंड 3×10⁻⁷ Q1 Q2 का वैल्यू, और अपॉन में R स्क्वायर की वैल्यू 0.3 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास देखिए क्या आने वाला है, ऊपर तो आने वाला है 9×10⁻⁹ हो जाएगा, और 10⁻⁴ हो जाएगा, नीचे 9×10⁻²² आ जाएगा बच्चों, 10⁻²² आ जाएगा, 9 से 9 कट गया बच्चों। और इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास
एफ की जो वैल्यू आ रही है एफ इक्वल्स टू आ रहा है 6 × 10^2 पर जाएगा तो 11 होगा, 11 में से -14 लगेगा तो माइनस का 3 आने वाला है, यहाँ पर माइनस का 3 न्यूटन, तो ये फोर्स हमें लगेगा। दोनों जो चार्ज है उनके मध्य ये फोर्स लगेगा, और फोर्स कैसा होगा? प्रतिकर्षण। फोर्स कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का लगने वाला है बच्चों। ओके, तो ये इस काज का हमारा सॉल्यूशन था।